श्रीमंत हरिशंकर वेदांती महोदय। रामाय राम रुद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोहितमिता सार्धं वंदे वाल्मीकि कोकिलं। आज विश्व गुरु दिवस को संस्थान के माध्यम से ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज के माध्यम से यहाँ समायोजन किया गया है महर्षि वाल्मीकि उनकी रचना शाश्वत रचना श्रीमद् रामायण तथा भगवान श्री राम के विषय में महान महान विभूतियों के द्वारा जैसे पंडित दयानंद भार्गव जी महाराज नारायण कांकर जी श्री देवर्ष कलानाथ शास्त्री जी और हमारे परम पूज्य अनंत शर्मा जी और प्रसाद पहले वितरण कर दिए वितरण करने वाले श्री कैलाश जी और श्रोतृवंद में महान महान विभूति हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री गुरु जी शास्त्री और भी महान भाव यहाँ पर उपस्थित हैं यादव जी और कई कई लोगों में नहीं जानता हूँ। इस समायोजन के लिए आप तो विदेश में रहे और पीछे से सारी भूमिका बनाने वाले हमारे सुरेंद्र जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। हमको तो बहुत पहले बोल दिए थे आपको अध्यक्ष हमने कहा ऐसे ऐसे महाभूतियों विभूतियों के बीच में क्या अध्यक्ष में तो नन्हा सा और कुछ जानता भी नहीं। ठीक है आचार्य कर लिया वेदांती जी करते और मैं तो भूल गया था इन्होंने भी याद दिला बोले आप तो भूलने वाले हैं मैं याद दिलाता हूँ। जाना था एक श्री राम सुखदास जी महाराज पहले भी आए थे उनका आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है वहाँ बोले आपको आना है लोग चलो एक बात बात एक बजे बात देखेंगे। परंतु आज ये गोष्ठी जो हुई ये अत्यंत चिरस्मरणीय रहेगी और ऐसे ऐसे बिंदुओं पे जो श्री भार्गव जी ने या कलानाथ जी ने यानी एकदम खुले मन से ये नहीं कि कोई एक दूसरे का काट छाट नहीं होता बाधे बाधे जाए थे तब तो बोधा का जो शास्त्रों में कहा गया है वो यहाँ पर पूरा परिदृश्य परिलक्षित हो रहा है। श्री वाल्मीकि समस्त अभी जैसे कवि कह दिए तो कवि कहने पर कवि काल्पनिक शब्द का आया है जहाँ न गच्छति रवि जहाँ न गच्छति रवि वहाँ गच्छति कवि है तो कवि की ऐसी है मैं कल्पना के ऊपर ही सारी उसकी भूमिका आधारित है लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रीमद् महाभारत जैसा कि अनंत जी ने भी बहुत बढ़िया ढंग से प्रतिपादित किया ये काव्य के साथ साथ संस्कृत वाङ्मय में इतिहासं पुराणं च पंचमं वेदं उच्यते इतिहास और पुराण ये पांचवा वेद कहे गए और विवेद अल्पश्रुता वेद अयम माम प्रतिहन्न जो इनका श्रवण नहीं किया जो इनके रहस्य को नहीं जाना उससे वेद भगवान भयभीत होते हैं ये निश्चित हमारा जो है खंड खंड कर देगा हैं और हमारी दुर्दशा कर देगा इसलिए इतिहास पुराण भारतीय वाङ्मय में सर्वोत्तम माने गए हैं। वैदेशिकों ने भी खूब जो है पुराणों की बड़ी भारी महिमा का गान किया है। हमारे पास एक ग्रंथ है और वो मोर जो ने कलकत्ता से छपा है एक सेठ जी मोर मोर करके थे उन्होंने मनसुख राय मोर उन्होंने सारे पुराणों का प्रकाशन करवाया और भी बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन करवाया उसमें तमाम सारे जितने मैक्स मूलर फैलो जितने कितने अच्छे नास्तिक पास्तिक सभी ने जो है एक स्वर से पुराणों की महिमा का गान किया है। और वाल्मीकि रामायण तो वाल्मीकि रामायण और महाभारत ये दोनों इतिहास ग्रंथ है इतिहास झूठा नहीं होता है आज जैसे कहे काल्पनिक काल्पनिक और आर्ष ग्रंथ कहा गया है। आर्ष शब्द किसके लिए उपयुक्त किया गया है जो कभी झूठ नहीं बोलता
संसार में झूठ कौन बोलेगा जिसका कुछ स्वार्थ होगा। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास जी, इनका क्या स्वार्थ था? कंदराओं में बड़े बहुत बढ़िया रुद्धा गुहा के मजितो वतिनो प्रसन्नान सुखदेव जी के वाक्य हैं कि भाई दिशंत भिक्षा नैवांग कृपा पर्वतो दिशंत भिक्षा चीराणि किम न पतिसंति। अरे हम क्यों झूठ बोलेंगे, हमको तो लज्जा निवारण के लिए वस्त्र चाहिए। तो रास्ते में पड़े बहुत वस्त्र मिल जाते हैं, धोया गंगा जी में और लपेट लिया, केवल लज्जा निवारण का ही तो प्रयोग है। गुफाएं छाया देने वाली हैं, नदियां पानी देने वाली हैं, वृक्ष और वनस्पतियां हमारे उदर की पूर्ति करने वाली हैं, इसलिए हम किसके लिए झूठ बोलेंगे? आगे नहीं कोई पीछे नहीं। तो ऐसे महर्षियों को, और जैसे अभी आपने बताया, चाहे वो भगवताचार्य जी भी हो या चाहे दयानंद सरस्वती हो, कोई भी हो, अगर इन पे उंगली उठा रहे हैं तो निश्चित उन्होंने इन शास्त्रों को पूर्णतया समझा नहीं। महा अभी जैसे सीता परित्याग की कथा है, कृष्णम रामायणम काव्यम सीताया चरितम। समस्त रामायण काव्य में भगवती सीता का सबसे उत्कृष्ट प्रतिपादन किया गया है। अच्छा, धीरोदात्त जो नायक होता है वो अपनी प्रशंसा नहीं सुनता, और भगवान राम वाल्मीकि रामायण को बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, तो उनको धीरोदात्त नायक कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। लेकिन वो किसका चरित्र सुन रहे हैं? सीता या चरितम, भगवती सीता जी के महान चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। और वहां पर लिखा है सनई सनई सभा सिंहासन पे बैठे हैं, लोग कुछ भी कथा सुना रहे हैं और ऐसे भाव विभोर हुए और उन्होंने सोचा कि हम इस जगह मैंने किसका चरित्र सुन रहे हैं, भारतीय संस्कृति में नारियों का क्या महत्व है। उसका प्रतिपादन वाल्मीकि जी ने किया, उसी का प्रतिपादन महाभारत। वाल्मीकि रामायण में सारा प्रपंच भगवती सीता के सम्मान की सुरक्षा के लिए हुआ, महाभारत में सारा श्रम द्रौपदी जी के सम्मान के लिए। तो किसका प्रतिपादन है? ऐसा समझ करके भगवान ने देखा कि हम यहाँ बैठे और आनंद भी नहीं आता है। श्रोता जब तक सन्मुख न हो सकता है कि तब तक आनंद भी नहीं आता है। इसलिए राम जी धीरे धीरे सभा के बीच में जाकर के चले, एक बैग उठ करके सिंहासन से जाते, लोग बाग देखते, अचक बचक हो जाती सभा, इसलिए धीरे धीरे चले। और ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा। तो ये चरित्र, और जहां सीता परित्याग की बात है, एक धोबी के कहने से उत्तरकांड को लोग प्रक्षिप्त कहते हैं, भले प्रक्षिप्त कहते हो महाराज जी, परंतु पूरा संप्रदाय उत्तरकांड को मानता है। हमारे श्री अयोध्या जी में वाल्मीकि भवन बना है, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के द्वारा, उसकी संरचना भी श्री रामदास जी के गुरु भाई गुरुदेव, और वहां उत्तरकांड के सहित पूरा जो है छपाया गया, कई लोग कहते होंगे कहते रहे। परंतु वहां पर जो धोबी की बात आती है, वो धोबी की बात नहीं, आज के रेत नेता, आज की नायक नायिकाएं वो राम जी के क्या चरित्र को समझेंगे, जिनको केवल अपने सुख और अपने भोग के अलावा उनके जीवन में कुछ है ही नहीं। नेता लोग क्या करते हैं? आपके देश को पाकिस्तान में देने की साजिश करने वाले जिन्होंने, अच्छा आज वो बातें आ रही हैं, जिस समय मुफ्ती मोहम्मद सैयद की छोकरी का अपहरण हुआ था, हमको तो उसी समय समझ में आ गया था कि ये तो चला करके किया गया, चला करके रचा, षड्यंत्र रचा गया है, और कई आतंकवादियों को छुड़ा लिया, उसके बाद फिर और कईयों के जो है ऐसे ऐसे हुए। वो लोग क्या देश की जनता को, वहां भगवान राम जो सारी प्रजा को अपने पुत्रवत मानते हैं, सारी प्रजा को कहते हैं अपि मे जीवितम जहियाम, हैं, चाहे लक्ष्मण को भी छोड़ने में हमको कोई कष्ट नहीं होगा, सीता को भी छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होगा, और मैं अपने जीवन का भी परित्याग करने में कोई कष्ट का अनुभव नहीं करूंगा अगर प्रजा रंजन में कोई समस्या आ रही हो। हम तो केवल प्रजा रंजन, हमारी प्रजा हमारे आचरण से असंतुष्ट हो जाए, ये हमको सही नहीं है।
ऐसे भगवान श्री राम के चरित्र, दिव्य चरित्र का आज यहाँ पर जो श्रवण का और वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से, उनकी जयंती के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप बताए थे, ब्रह्मा जी थे वेद वेदी परे पुंसी जाते मुझे वेद प्राचीत साराशय आशी साक्षात रामायण आत्मना। अच्छा, रामचरित मानस में जरूर कहीं कहीं पर गोस्वामी तुलसी जी स्पष्ट कर, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायण निगदितम क्वचित अन्य स्वांता सुखारे है। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी का कहीं पर जैसे उस वाटिका का प्रसंग है और परशुराम लक्ष्मण संवाद वगैरह को लेकर के भगवताचार्य जी बड़े नाराज होते हैं तो और सेतुबंध रामेश्वर को लेकर भी नाराज हो जाते हैं। तो कहीं कहीं ऐसे प्रसंग हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को स्पष्ट श्री नाभाजी महाराज जो वर्तमान में जिन्होंने अपने गुरुदेव के अंतःकरण में क्या भावनाएं प्रस्फुरित हो रही हैं उनको जान लिया। नाभाजी की कथा संक्षेप में बस यही है कि नाभाजी के गुरुजी मानसिक सेवा कर रहे थे, और सेवा में ये हुआ कि भाई कोई शिष्य जो है फंस गया समुद्र में भंवर में, और अब वो पुकार करने लगा गुरुदेव की। गुरुदेव ने सोचा इसका कैसे, इतने में तो उनकी बात को जान करके नाभाजी पंखा वजन हिला रहे थे, तो पंखे का झपोरा दिया वो नौका बाहर आ गई। तो ऐसी स्थिति हुई, ऐसा मैंने गुरुदेव के हृदय की बात जान लेने के बाद उन्होंने उनका कहा नाभा नाम रखा और बोले बेटा भक्तों के चरित्रों का गान करो। तो बोले महाराज भगवान के चरित्रों का तो गान किया जा सकता है, परंतु भक्तों के चरित्रों का गान नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि भक्त तो हमेशा जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने को छुपा के रखते हैं, अपनी कुछ भी स्थिति को प्रकट नहीं करते, हम ऐसे हैं वैसे हैं, वो अपने को छुपा के रखते हैं। तो सुखदेव आचार्य जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, वो सब करुणा करके तुमको बता देंगे, हैं? तुम उनका गान करोगे तो स्वयं बता देंगे, भगवान बताएंगे वो भक्त बताएंगे। ऐसे श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं कलि कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी। कलयुग के अब जानते हो, आज अरोचकता नहीं हूँ, अभी अपने यहाँ कितनी कथा कर रहे हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हो रही हैं। तो ज्ञान को ज्ञान योगे ज्ञानंद जी ने और सुरेंद्र जी ने खूब प्रयत्न किया, और ऐसे महाभूतियों को सुनने के लिए बहुत खुशी की बात है, इस बार इतना भरा है, हैं? यहाँ तो हजारों की संख्या एकत्रित होनी चाहिए, परंतु कल कुटिल जीव है ना, उनको ये सब कहाँ अच्छा लगेगा। तो उनको जैसा अच्छा लगे उन कुटिल जीवों को निस्तार के लिए, उनके कल्याण के लिए वाल्मीकि तुलसी देव, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए हमको कहीं कहीं उनकी बातों से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, भक्ति के प्रसंग के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में कई लोगों ने कहा है वेद मत सोध 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 के पुराण सरे संत और संतन के वेद को बताओ, तो सारी बातें बहुत बढ़िया बढ़िया जो है, कोई गीता सारी गीता रामायण में मिल जाएगी, सारा महाभारत रामायण मिल जाए, वाल्मीकि रामायण भी मिलेगी, परंतु कहीं कहीं वो स्वयं लिख दिए हैं उचित अन्य तो भी और फिर स्वांता सुखा। तो ऐसे महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी और जो वाल्मीकि जी के ही अवतार हैं, उन्होंने और वाल्मीकि जी ने जो समाज को दिया वो वस्तुतः कोई दे नहीं सकता है, और इनको इतिहास की दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे यहाँ इतिहास ही कहते हैं, 18 पुराण और वाल्मीकि रामायण और महाभारत इतिहास के रूप में है। इतिहास हमें आईना दिखाता है, इतिहास के पात्र हमें, जैसा भी है रामवद वर्तितव्यम न रावणवद, राम जी के जैसा आचरण करना चाहिए, रावण जैसा आचरण नहीं करना चाहिए। और संस्कृत की सरलता, भार्गव जी ने कहा गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम, राम रावण युद्धम राम रावण युद्ध, इतना सीधी सीधी ऐसे। और संस्कृत भाषा की वैशिष्ट्य भी नारायण जी कांकर जी सुना रहे थे। वास्तव में मैं तो कहता हूँ अगर हमारे राजनेताओं को पूर्व में ये बात समझ में आ जाती तो आज देश की दुर्दशा नहीं होती। आज देश में जो
फलाना प्रांतवाद चल रहा है, ये वो बात, दुनिया भर के बाद भाषावाद चल रहे हैं ना, ये कुछ नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि संस्कृत भाषा सर्वत्र एक जैसे, दक्षिण में कर्म कांड करवाएगा तो वही मंत्र बोलेगा, दक्षिण का व्यक्ति भी संध्या करेगा तो उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करेगा, चाहे पूरब का करे, चाहे पश्चिम का करे, चाहे उत्तर का करे, उन्हीं मंत्रों को लेकर के, उन्हीं वेदों को लेकर के, उन्हीं रामायण और महाभारत को लेकर के चलेगा जो पूरे भारत में प्रचलित है। अगर संस्कृत हो जाती तो फिर ये सारी समस्याएं ही नहीं होती और शायद समझने वाले ही बहुत हो जाते। अभी एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, संस्कृत को न समझने वाले ही कूटपटांग के अर्थ करते हैं। भागवत में एक श्लोक आया है, अजा गावो महिष्याश्च चार्यंत बने बने। अब कोई अंग्रेजी वाला थोड़ा संस्कृत समझा हुआ इस वाक्य का, इस श्लोक का अर्थ करेगा तो क्या कहेगा? अजा, अजा माने बकरी, बकरी। अच्छा, मैंने क्या किया, एक हमको कहीं मिल गई संक्षिप्त भागवत, वो उसका ट्रांसलेशन था अंग्रेजी में, अपने अंग्रेजी जानता नहीं भगवान, तो हमने जो है हमारे एक जानने वाले से पढ़ाया, हमने कहा इस श्लोक का थोड़ा अर्थ बता दो। तो उन्होंने बोले महाराज इसमें तो लिखा बकरी भैंस गाय, गाय भैंस बकरी आए चराते हैं भगवान कृष्ण, एक वन से दूसरे वन में जा रहे। संस्कृत के नहीं होगा तो यही अर्थ करे, मैक्स मूलर यही अर्थ करेगा, लेकिन जो संस्कृतज्ञ होगा वो कहेगा अजा स्याद प्रसूता गौ सकृत सूता महिष्मता। जो एक बार जन्म, एक बार भी ब्याह नहीं है, अभी केवल ब्याने से पूर्व की स्थिति है, उसको कहते अजा, और जो एक बार ब्याह गई है गाय माता उसको महिषी शब्द दिया गया, और फिर एक बार से जो ज्यादा ब्याह गई है उनको गाय शब्द से संबोधन किया गया। तो ये जो है संस्कृत के लोग अर्थ निकालेंगे, अंग्रेजी वाले तो निकाल सकते नहीं है। समय हो गया है खूब, आज के इस कार्यक्रम को पुरी जी को और इन महापुरुषों को कितना कितना साधुवाद दिया जाए, और हम तो बहुत कृतज्ञ हैं इनके, तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया वाल्मीकि रामायण के ऊपर चिंतन किया गया, और ये चिंतन देश विदेश में जावे और ये सूचना जावे कि वाल्मीकि रामायण कोई काव्य नहीं है, जैसे आजकल के कवि लिखते रहे अपनी कल्पना से कुछ कुछ लिख मारे, छाया कवि और ये सभी हो रहे हैं ना, छायावाद के और उसके, तो ऐसी ये कल्पना नहीं है, वस्तुतः ये इतिहास है जिसको अपनी भाषा में और अपने लेखन शैली में काव्य के कविता के रूप में पिरो करके महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास जी ने प्रस्तुत किया है। इसका अक्षरशा ये सब कुछ सत्य है, ऐसी ऐसी घटनाएं और सब वहां कुछ छुपाया नहीं गया है। जैसे वाल्मीकि रामायण बढ़िया ना, रामचरितमानस में तो भगवान को सर्वत्र भगवत। अच्छा देखो, रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी की महत्ता देखिए, उन्होंने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण पे वो हिंदी में कर सकते थे, बढ़िया से बढ़िया मंगलाचरण कर सकते, पर उस मंगलाचरण में वर्णा नाम संघा नाम सा नाम छंद सामुपी मंगला नाम से करतारो वंदे वाणी विनायको से लेकर के और वाल्मीकि, वाल्मीकि का विलोम किया कभी कभी सम कभी कभी स्वरम कभी कभी सर कभी सर नम हाँ नम कभी सर कभी सर। हनुमान जी को भी नमस्कार किया, उसी के साथ वाल्मीकि जी को नमस्कार किया। हनुमान जी भी रामचरित के जो है बड़े गायक हैं, भगवान रामायण के गायक हैं, तो ऐसे तभी तो जो गायक होगा उसी को सुनने में मजा आएगा। हनुमान जी के लिखा है ना कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वासवारी पूर्ण लोचनम मारुतिम नमतराच साधकम। तो ऐसे वो बड़े कथा के प्रेमी हैं और सुनाने के भी प्रेमी हैं। तो अच्छा, ये तो मंगलाचरण हो गया, प्रत्येक कांड के पूर्व में मंगलाचरण किए, बीच बीच में भी संस्कृत खूब भर दिए हैं। अरण्य कांड में कितने स्तुतियां हैं जो बिल्कुल संस्कृत परायण है, इसी प्रकार से लंका कांड में भी कई स्तुतियां जिसमें संस्कृत की प्रधानता है, और नमामि संगी शांत को नहीं जाना नहीं, वो तो हाँ, तो वो संस्कृतज्ञ थे और जनता। अब ये बात भी है, वो तो पहले तो संस्कृत में ही लिख रहे थे, संस्कृत में लिखे, दिन भर लिखे, रात में गाए, तब स्वयं हनुमान जी महाराज भगवान शंकर ने कहा कि भैया ये नहीं समझेंगे, इसलिए इनको, इसलिए अपने लिए दोनों महापुरुष महाराज जी वंदनीय है और भारतीय संस्कृति के संरक्षक है, दोनों महाकाव्य
और दोनों ही रचनाएं हमारा इतिहास है, इतिहास के रूप में प्रतिष्ठित करके, जैसे इतिहास काव्य कह करके हैं तो लोग कहते हैं ना ये सब काल्पनिक है काल्पनिक है, सुप्रीम कोर्ट तक काल्पनिक काल्पनिक चिल्लाते, कोई अपनी उसमें भी कह देता है तो रामेश्वर का बंधन नहीं हुआ ये सब काल्पनिक है, तो ये सब कहां से आया, ये कवि कवि जोड़ करके, और कवि तो उसी को कहते हैं भगवान ने कवि नाम सुना कवि, भगवत तत्व के वेत्ता को कवि कहा गया है, और मैं समझता हूँ भगवत तत्व के जितने ज्यादा वेत्ता वाल्मीकि रामायण जी हैं, वाल्मीकि जी महर्षि वाल्मीकि हैं, और भगवान वेद व्यास तो साक्षात भगवान के 24 अवतारों में ही है, उनसे बढ़कर के कौन होगा, वो क्यों झूठा काव्य लिखेंगे, इसलिए काव्य नहीं कविता की शैली है, छंदों की शैली होने के कारण इसको काव्य कहा गया, वस्तुतः एक इतिहास है, और इतिहास होने के नाते हमारे समाज समस्त सनातन धर्म का, सनातन धर्म ही नहीं विश्व का आईना है, विश्व अपने चेहरे को इसमें देख सकता है और राम वर्तन करके और अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकता है। आप सभी के चरणों में, विद्वानों के चरणों में।